रियासत की जिम्मेदारी है कि यहाँ के अवाम को वो कॉम्पेंसेशन दे, वो फायदा दे जो उनका हक है। जो कबायली इलाकों का पख्तूनख्वा के साथ शमूलियत हुई थी, ये एक तारीखी कदम था जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा जिदोजहद की थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अदालत में भी गई थी के फाटा को, कबायली इलाकों को पख्तूनख्वा में जम किया जाए, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो ऐसे नजर आ रहा है कि कागजी सतह पर तो जम हुआ है मगर फाटा को, साबिक कबायली इलाकों को अब भी उनका हक नहीं दिया जा रहा है। अब भी बाकी पाकिस्तान के अवाम के लिए वो वहां जाने का इजाजत नहीं ले सकते। आज भी लापता अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज भी एक कानूनी ब्लैक होल, एक ये जो आपका इंटरनल सेंटर्स है उनका सिलसिला चल रहा है। जस्टिस विकार सेठ साहब ने जो कोरोना में फौत हो चुका था, उसने इंटरमेंट सेंटर्स के बारे में भी कहा था, अदालत की तरफ से हुक्म भी आया था कि इन इंटरमेंट सेंटर्स को पुलिस के हवाले किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हमने वो कदम नहीं उठाया। हम जस्टिस विकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं कि इस मुल्क में इस किस्म के गैरतमंद और बहादुर जजेस भी हैं जिनके कलम से इंसाफ लिखा जाता है, जिनमें हिम्मत है कि वो आमिर के खिलाफ भी सजा दे। हम जस्टिस चीफ जस्टिस विकार सेठ साहब को सलाम पेश करते हैं। साथियों, जो इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का मीशत के साथ किया है, यहां का मीशत के साथ किया है, वो भी आप सबके सामने है। तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। इनकी वजह से, इनकी नालायकी की वजह से पहले चीनी का बहरान हुआ, फिर आटा का बहरान हुआ, फिर तेल का बहरान हुआ, और अब आप देखें गैस का भी बहरान होगा। इनका नालायकी का बोझ भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं, अपना बिजली के बिल में, अपना गैस के बिल में, अपना खाने पीने के अशिया का बिल में। आप इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड की हुकूमत का बोझ उठा रहे हैं, और इनका जुल्म नहीं रुकता, इनका जुल्म नहीं रुकता। जो एनएफसी अवार्ड है, जो आपका वसाइल पे हक है, जो आप पे पैसा का शेयर है, बाकी सूबों की तरह पख्तूनख्वा का हिस्सा पे भी डाका डाला जा रहा है। पख्तूनख्वा को उनका सही शेयर नहीं दिया जा रहा है। एफपीआर का नालायकी की वजह से 160 बिलियन रुपीस पख्तूनख्वा के बजट से कम किया गया है, पख्तूनख्वा के अवाम को नहीं दिया गया है। आप जरा सोचे 160 बिलियन रुपीस, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते थे। पेशावर में पेशावर के नौजवानों को कितना रोजगार दिलवा सकते थे, कितना तालीमी और सेहत के इदारा खड़ा कर सकते थे, मगर बाकी सूबों की तरह ये नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत आपके वसाइल पे डाका डाल रहे हैं, आपको आपका सही शेयर नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं, वही हुकूमत है जो सीपैक की अल्टरनेट रूट की बात करती थी। जब हुकूमत में नहीं थे तो पीपल्स पार्टी के साथ देते थे कि सीपैक तो पसमांदा इलाका के लिए है, यहां के गरीब अवाम को क्यों नहीं फायदा दिया जा रहा। लेकिन जब से वो हुकूमत में आए हैं,
سی پیک کا جو آلٹرنیٹو روٹ ہے جو گلگت سے ہو کے چترال اور دھیر تک اور چکا دارا تک پہنچ جاتا ہے, اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں کے عوام کو اس کا بھی فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے. آپ کا جو کروڈ آئل کا پروڈکشن ہے وہ پورا پاکستان میں سب سے زیادہ پروڈیوس آپ کرتے ہو. اگر ایک دن میں 90,000 بیرلز پروڈیوس ہوتے ہیں تو پختونخوا اس میں 50,000 بیرلز پروڈیوس کرتے ہیں, مگر پھر بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جاتا, آپ کو اپنا رویلٹی نہیں دیا جاتا. ویسے ہی جو آپ کا گیس پروڈکشن ہے وہ بھی آپ کا کنسمپشن سے زیادہ ہے, مگر اس میں بھی آپ کو اپنا حصہ نہیں دیا جاتا. ہر جگہ پہ ہر طرف سے یہ نالائق حکومت آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ ظالم حکومت آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, آپ کو اپنا وسائل نہیں دیا جا رہا. خود کو آپ کے نمائندے کہلواتے ہیں, مگر اگر آپ کے نمائندے ہیں تو آپ کو آپ کا گیس کی رویلٹی کیوں نہیں ملتی, آپ کا کروڈ آئل کی رویلٹی کیوں نہیں ملتی, آپ کا ہائیڈل پاور کا رائٹی کیوں نہیں ملتی؟ وہ اس لیے کہ یہ پختونخوا کے نمائندے نہیں ہیں, یہ پختونخوا کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اگر نمائندے ہیں تو اپنے سلیکٹرز کے نمائندے ہیں. عوام کو کچھ نہیں دیا جاتا, عوام کا کوئی مدد نہیں کیا جاتا. انہوں نے نچکاری کے نام پہ پختونخوا میں دکان کھولا ہے. یہاں کے تعلیمی ادارے, یہاں کے صحت کے ادارے انہیں پونے بیچ رہے ہیں. ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کو ان سہولت سے محروم رکھا جائے. ہمیں تو کووڈ کا تانا دیتے ہیں, کرونا پہ ڈرانا چاہتے ہیں, مگر وہ صرف اپنے ہمارے جلسے روکنے کے لیے, ہمارا آپ کا احتجاج روکنے کے لیے اس وقت ان کو کرونا یاد آتا ہے. لیکن جب یہاں کے ڈاکٹرز, یہاں کے نرسز کے تنخواہ میں اضافہ کی بات ہوتی ہے تو تب وہ کووڈ بھول جاتے ہیں. جب رسک الاونس کی بات ہوتی ہے تو پھر کرونا بھول جاتے ہیں. جب یہاں کے ہاسپٹلز کے ملازمین کو ریگولرائز کرنے کی بات آتی ہے تو تب ان کو کووڈ بھول جاتا ہے. وہ اگر یاد کرتے ہیں تو صرف پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران یاد کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنا پڑے گا, مگر اس غیر جمہوری نظام کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو یہاں کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو وہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں, جو یہاں کے عوام پہ ظلم کرتے رہتے ہیں. اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. اس ظالم حکومت کی وجہ سے, ان حکمرانوں کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا, چینی مہنگی, گھی مہنگا, آلو مہنگا, پیٹرول مہنگی, گیس مہنگی, بجلی مہنگی. غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ غریب آدمی کے لیے تو مرغی بھی دور کی بات ہو چکی ہے, اب وہ انڈا بھی خرید نہیں سکتے ہیں. پہلے سے جینا مہنگا تھا, اب دوائیوں کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا. یہ ہے عمران کے سہولت کاروں کا نیا پاکستان. یہ تو کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ شور مچاتے تھے, یہ تو کرپشن کے بارے میں سب سے زیادہ چیختے تھے, مگر اب سب کو لگ پتا گیا ہے کہ یہ تو سب سے کرپٹ ترین حکومت نکلا ہے. اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے, کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. کرپشن تو حکومت کرتی ہے, مگر نیب کے نشانے پہ صرف اور صرف اپوزیشن ہوتی ہے. نیب کا سیاسی انتقام ہو تو, نیب کے جھوٹے کیسز ہو تو اپوزیشن ان کو بھگت رہا ہے, مگر نیب کو نظر نہیں آتا.
ना आपको नजर नहीं आता कि यहां पेशावर में मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, मुल्क से सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, जिनके बसेस खुद ब खुद जल जाते हैं, जिनके पैसेंजर्स को बस को धक्का दे के चलाना पड़ता है, मगर ये ना आपको नजर नहीं आता, ना आपको नजर नहीं आता, ना आपको नजर नहीं आता, ना आपको नजर नहीं आता कि कैसे सिलाई मशीन से, कैसे सिलाई मशीन से अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इमारते खड़े हो रहे हैं। ना आपको नजर नहीं आता कि मालिम जब्बा में क्या क्या करप्शन किया गया है। ना आपको नजर नहीं आता कि फॉरेन फंडिंग केस में कैसे बेरुने मुल्क के लोग, भारत के वजीर, इसराइल के शहरी पीटीआई का फंडिंग करते रहे। ना आपको नजर नहीं आता, ना आपको नजर नहीं आता कि स्पेशल असिस्टेंट्स के पास, स्पेशल असिस्टेंट्स के साथ पैनमा की जायदादें कैसे हुए, स्पेन में जायदादें कैसे आए, अमेरिका में जायदादें कैसे आए। ना आपको नजर नहीं आता, ना आप में वो हिम्मत नहीं है, नैब में वो हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि पापा जॉन्स का एम्पायर, पापा जॉन्स का एम्पायर एक स्पेशल असिस्टेंट ने पूरी दुनिया में कैसा खड़ा कर दिया है। मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं, जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा और आप हिसाब लेने का वक्त आएगा तो आप हिसाब लेंगे, पख्तूनख्वा के अवाम हिसाब लेंगे, इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे, इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे, मगर इन कठपुतलियों के पीछे जो है उनसे भी आप हिसाब लेंगे। हम नैब से भी हिसाब लेंगे, नैब का आईओ से लेके चेयरमैन तक, हर ऑफिसर नैब में इन सब से हम पूछेंगे। और जब इनसे पूछा जाता है, जब आईओ से लेके चेयरमैन तक उनसे पूछा जाएगा कि आपके एसेट बियॉन्ड मींस क्या है, फिर पूरा मुल्क को लग पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है और करप्ट कौन थे। मगर साथियों, हम इस करप्शन का नासूर का खात्मा नहीं कर सकेंगे जब तक हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून नहीं होगा, हम सब के लिए एक कानून नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक सियासतदानों के लिए, जजेस के लिए और हाजी जनरल्स के लिए एक कानून नहीं होगा, एक अदालत नहीं होगा, तब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं कर सकते। जब तक हम गुड करप्ट और बैड करप्ट खेलते ही रहेंगे, तब तक करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। वक्त आने वाला है, एहतसाब हम लेंगे, जब हिसाब हम लेंगे फिर जवाब देने को तो मगर कहां होंगे। खरोखास से कमतर हो, रास्ते के कंकर हो, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने दिल में थानी है, राह साफ कर देंगे, तुम तो सिर्फ नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। इनका नौकर का हुकूमत मसलत करना, यहां में अपना नौकर का हुकूमत मसलत करना, पंजाब में अपने नौकरों का हुकूमत मसलत करना, बलूचिस्तान में अपने नौकरों का हुकूमत मसलत करना, वफाक में अपने नौकरों का हुकूमत मसलत करना, और आज जी अब गिलगित बल्तिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत नाफिज करने में इस मुल्क में, इस मुल्क के साथ क्या क्या किया गया है। अब
ना आवाम आजाद है, ना सियासत आजाद है, ना अदालत आजाद है, ना सहाफत आजाद है। जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, इंसानी हकूक तो खत्म ही हो चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में हमारे सबसे पुराना दोस्त भी हमें भूल चुके हैं, मईशत को तो तबाह कर चुके हैं। आप उनको अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा, अवाम का राय चलेगा, आपका राय चलेगा, ना पिंडी का राय चलेगा, ना पारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगी, पाकिस्तान की अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क की मईशत कैसा चलेगी, और पाकिस्तान की अवाम यह फैसला करेंगे कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी। साथियों, मैंने पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके आया हूं, चप्पा चप्पा का दौरा करके आया हूं, पीडीएम का मंशूर, पीडीएम का नजरिया गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक लेकर गया था, और जहां के धांधली की वजह से आपको वो सीटें नहीं दिए गए, मगर इनके हथकंडे के बावजूद, इनके धांधली के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद, सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमाते को मिले हैं और पीटीआई को शिकस्त मिली। सबसे ज्यादा वोट्स पीडीएम के जमातों ने हासिल किए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम की नजरिया के साथ दिया है, और धांधली के बाद जो इन पहाड़ों में एहतजाज शुरू हुआ है, जिस जज्बा के साथ उस सख्त सर्दी के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीडीएम की तारीख में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अब आपका लॉन्ग मार्च में शाना बिशाना खड़े रहेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है कि वोट पे डाका ना मंजूर, वोट पे डाका, मेरा वोट पे डाका, तेरे वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका, वोट पे डाका, पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।